You're watching Today Express News. फरीदाबाद में आगामी 22-23 दिसंबर को भारत विकास परिषद द्वारा 2018 के दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसे भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने संबोधित किया। हर दो वर्ष के बाद होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में परिषद द्वारा चलाई गई गतिविधियों का जहां विश्लेषण किया जाता है, वहीं परिषद द्वारा आने वाले समय में नए कार्यक्रमों और योजनाओं की घोषणा की जाती है। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय कार्यक्रम में इस बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खास तौर पर शिरकत करेंगे। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहेंगे। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने टुडे एक्सप्रेस न्यूज से खास बातचीत की और राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में जानकारियां दी। भारत विकास परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत विकास परिषद का 2018 का राष्ट्रीय अधिवेशन यह फरीदाबाद में होना निश्चित हुआ है। प्रति दो वर्ष के बाद होने वाले इस अधिवेशन में भारत विकास परिषद पिछले दो सालों के क्रियाकलापों के बारे में अपना पूरा निरीक्षण करता है और आगे आने वाले कार्यक्रमों की घोषणा करते हुए इस अधिवेशन को पूरा करता है। इस वर्ष के अधिवेशन में भारत विकास परिषद ने एक गांव एक शाखा इस माध्यम से सारे देश में 1500 गांवों को विकसित करने का निश्चय किया है। इस अधिवेशन के माध्यम से इन सभी गांवों में स्वास्थ्य, संस्कार और सेवा तथा पर्यावरण के कामों में उस गांव को पूर्णतः विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट और लेडी डॉक्टर्स को ले जाकर उन ग्रामीण महिलाओं में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करना, उनमें कौशल विकास केंद्र स्थापित करके कंप्यूटर और स्विंग जो प्रशिक्षण केंद्र है उनको स्थापित करके महिलाओं में स्वावलंबन लाने का प्रयास करना, और शहरी महिलाओं और लड़कियों के लिए जो कौशल विकास केंद्र है इसके साथ उनकी आत्मसुरक्षा के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पुलिस बल के साथ, जूडो कराटे के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ, इन ट्रेनिंग सेंटर्स के माध्यम से लड़कियों में स्वयं आत्म सुरक्षा करने का प्रयास और उनका जो स्वाभिमान है वो बने, इसका प्रयास भारत विकास परिषद करेगी। टुडे एक्सप्रेस न्यूज के लिए फरीदाबाद से अजय वर्मा की रिपोर्ट।